तो जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉग में भी आपको लास्ट तक बने रहना है साथियों। जैसा कि अग्निवीर जो भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है, और मतलब रिटर्न टेस्ट जो फाइनल रिजल्ट था वो आ चुका है। मतलब जिन बंदों का सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है वो क्लियर पता चल चुका है। तो आपके वहाँ से किस किस का सिलेक्शन हुआ है, और हमारे यहाँ से भी हुआ है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है साथियों। तो साथियों, हमारा एक फ्रेंड है उसका भी सिलेक्शन इस भर्ती में हुआ है, जो कि फ़ोटो में आपको दिखा रहा हूँ, यही है वो। और ये जो मतलब अग्निवीर की जीडी थी, जर्नल ड्यूटी से ये था, तो इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है भाई, इसका सिलेक्शन हो चुका है। और आपके वहाँ से किन किन का सिलेक्शन हुआ है, आपके किसी फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो साथियों, जैसा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें काफ़ी खुशी हुई है। और मतलब मैं तो इस भर्ती में नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी एज इस भर्ती में नहीं हुई थी, इसलिए मैं इस भर्ती में नहीं जा पाया। शायद नेक्स्ट भर्ती जो आएगी उसमें शायद अप्लाई कर पाऊँगा, तो देखेंगे। हम भी भर्ती देखने जाएंगे और देखेंगे कैसे भर्ती होती है, फर्स्ट टाइम जाएंगे, देखते हैं नेक्स्ट भर्ती में फॉर्म भर पाता है या नहीं भर पाता है। तो साथियों, जैसे कि हमारे फ्रेंड का जब किसी का सिलेक्शन होता है तो फ्रेंड को तो खुशी होती है, उसके साथ हमें भी एक खुशी महसूस होती है साथियों, क्योंकि हमारे संघ का जो लड़का होता है वो भारतीय सेना में जाता है, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का उसका जो सपना है वो पूरा हो जाता है, तो उसको तो खुशी होती है। और भाई हमें भी एक अच्छी खुशी मिलती है कि भाई हमारा फ्रेंड भी गया है भारतीय सेना में। और वो कहते हैं ना कि भाई फ्रेंड तो फ्रेंड ही होता है, और फ्रेंड का सिलेक्शन होता है तो फ्रेंड को खुशी नहीं होगी कि भाई अभी दो लड़के और हैं जो कि क्लर्क्स हैं, क्लर्क का भी रिजल्ट आया नहीं है। अगर उनका होगा तो मैं किसी अगले व्लॉग में आकर आपको बता दूंगा कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। शायद उनका हो ही जाएगा क्योंकि अच्छी उनकी तैयारी थी एग्ज़ाम की। और जैसा कि इस भर्ती में लगभग बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं वो चार साल की नौकरी के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। मतलब जो पहले जो खुशी होती थी शायद वो खुशी उनके चेहरे पर अब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनसे मैं मिला हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि उन्हें शायद उतनी खुशी नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। जैसा कि होती थी भाई, जब एक तरह से कहते हैं ना कि उन्हें ये विश्वास ही नहीं है, कि उन्हें यही नहीं पता है कि भाई चार साल बाद हम परमानेंट में जा पाएंगे, मतलब 25% में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं होगा, तो भाई थोड़ा लगता ही है ऐसा। तो भाई जैसा कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रिटर्न एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उन्हें डिमोटिवेशन नहीं लाना है और तैयारी करनी है। अब की बार थोड़ी अच्छी तैयारी करनी है, रिटर्न एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करनी है और फिजिकल की भी करनी है भाई। और मतलब तैयारी में हमें लगे रहना, ये नहीं है कि तैयारी छोड़ दें। तो साथियों, हो सकता है अब की बार नहीं हो पाया तो इस बार हम लग जाएं, तो हिम्मत आपको हारनी नहीं है साथियों। और डीमोटिवेशन वाले बहुत मिल जाते हैं कि हमारा लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो सामने वाला कर रहा है शायद हम वो नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर रहे हैं ना वो भी कोई और नहीं कर सकता, ये आपको दिल में रखना है, ठीक है। मतलब यार जो कर रहा है फिर हम नहीं कर सकते वो जो बंदा कर रहा है, लेकिन जो हम कर रहे हैं ना वो भी शायद कोई नहीं कर सकता, ठीक है, ये आपको दिल में रखना है, ठीक है साथियों। और तैयारी अच्छे से करते रहना है और डिमोटिवेशन नहीं लाना है। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देखेंगे, अगली भर्ती में हो ही जाना चाहिए। हम परमानेंट के लिए नहीं तो कम से कम चार साल के लिए तो मौका मिला हमें। तो साथियों, अगर कभी वीडियो मतलब कभी आपको व्लॉग कंटिन्यू अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपने साथियों तक शेयर करो भाई, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब और आपका जो एक लाइक है वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा लगता है कि हमें फिर लगता है कि हमें और वीडियो बनानी चाहिए। तो साथियों कर दिया करो यार। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद साथियों।